हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सबों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कमेंट करना आप सबों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलिए देखते हुए चलते हैं। हाँ, आज अपना जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, जो कि अपना एक सीरीज स्टार्ट हो रखा है पर डे दोपहर 4 बजे, याद रखना, सॉरी शाम 4 बजे, पर डे शाम 4 बजे हम सबों का ये क्लास चल रहा है। कल मैं नहीं आ पाया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आज से अब हम लोग देखते हैं आगे के सेशन को। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट, क्या क्या नहीं, सभी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम अमित कुमार है। कुछ अपने बारे में, मेरा नाम अमित कुमार है। आप मुझे अनअकैडमी पर इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसे मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, सॉरी जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस पर CDS APF FKT के का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे कोड अमित फॉर GSP का यूज जरूर से करें, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। देखते हैं आगे नेक्स्ट। जैसा कि आपके सामने अभी आपको दिख रहा होगा, अभी अनअकैडमी प्लस पर हम सबों का एक बैच कोर्स स्टार्ट हो रखा है CDS और CAPF के लिए, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जा रहा है, जिसमें मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, सूर्या सर पॉलिटी ले रहे हैं, करमबीर सर ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स जो है आपका भी कवर कराया जा रहा है शेखर सर के माध्यम से। तो इन सबों को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस में इनरोल कराना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और मेरे एक कोर्स चल रहा था जो कि 2 जुलाई से स्टार्ट होगा फिर से, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी थ्रू एम लक्ष्मीकांत और कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी थ्रू MCQ, ये भी सारे चल रहे हैं। तो इन सबों के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये जो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप मेरे कोड अमित फॉर GSP का यूज कर देंगे, तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। गाइज, ये आपके प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस, जिसमें आप अपने किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम CDS CAPF FKT का बात करें, तो इसमें सपोज डेट आप 6 मंथ का लेते हैं तो 6000 पढ़ना है, लेकिन मेरे इस कोड क्या है, अमित फॉर GSP का इस्तेमाल करते ही आपको पढ़ेंगे मात्र 5760 रुपए का ये 6 मंथ का कोर्स, जिसमें आपका इंटायर CDS CAPF के सारे सब्जेक्ट को कवर करा जाएगा। और ऐसा नहीं केवल मेरे क्लासेस, जितने भी एडुकेटर्स हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर, वो सभी आपको अनअकैडमी प्लस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आपके प्रिपरेशन जो है वो कैरी ऑन चले, वो रुके नहीं। तब हम लोग आते हैं आज के सेशन में। तो आज का अपना सेशन क्या है, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, पोस्ट मौर्यन आर्ट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे। यानी मौर्यों के बाद कौन सा पीरियड आता है, पोस्ट मौर्यन एज, यानी मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल। और उसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, आर्ट एंड कल्चर के इस थीम को आज कवर करते हुए चलेंगे। तो जो भी ऑनलाइन है कमेंट कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को ये बेनिफिट मिल पाए, और भी बच्चे जुड़ पाए। और आर्ट एंड कल्चर, जो इसके सबसे अधिक क्वेश्चन आपसे इंडियन हिस्ट्री में अगर पूछा जाता है सबसे अधिक क्वेश्चन, तो आर्ट एंड कल्चर से रहता है, वो आपको हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का जो सेशन है। तो देखो, आर्ट एंड कल्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया है, आर्ट एंड कल्चर में हमने क्या क्या देखा, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और अदर आर्ट, तीन। यानी आर्ट एंड कल्चर को 3 भागों में बांटा जाता है। विजुअल आर्ट, जिसे आप सभी विजुअलाइज करते हो, देखते हैं, परफॉर्मिंग, जिसे परफॉर्म किया जाता हो, और अदर्स। विजुअल आर्ट में हमने कवर किया था या देखा था क्या क्या, आर्किटेक्चर होता है यानी वास्तुकला, दूसरा होता है क्या, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला,
और पोटरी यानी मिट्टी के बर्तन, साथ ही साथ पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट, ये सारे विजुअल आर्ट हो जाएंगे। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या देखा जा रहा है, तो देखो यहाँ पर है म्यूजिक, गाना, नृत्य यानी डांस, ड्रामा, कठपुतलियों का जो शो होता है वो, सर्कस और मार्शल आर्ट, ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट। और अदर्स में लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, फिलोसफी, सिनेमा, एंशेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैलेंडर, फेयर एंड फेस्टिवल और किताबें, ये सारे अदर आर्ट्स में। तो तीन भागों में पूरे इंटायर आर्ट एंड कल्चर को डिवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, अदर्स आर्ट, ये। चलो देखते हैं अब जब यहाँ पर हम लोग देखें विजुअल आर्ट में पहला क्या, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री, तो पहले उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। तो देखो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री जो है, इसमें क्या क्या तीन भागों में बांटा जा रहा है इंटायर इंडियन हिस्ट्री को। जब आर्ट एंड कल्चर के आर्किटेक्चर का बात किया जाता है, स्कल्पचर का बात किया जाता है या पोट्री का बात किया जाता है, तो उसे भी तीन भागों में बांट दिया जाता है। क्या क्या, हड़प्पा के आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता और साउथ इंडिया। जबकि आपको याद होगा अगर आप सबों ने पढ़ा था एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, तो उसमें हमने क्या देखा था, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री का सीरीज कैसे चल रहा था। पहले हमने देखा था स्टोन एज, देन आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन आफ्टर वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज, उसके बाद क्या आया था, तो उसके बाद आया था महाजनपद, रिलीजियस मूवमेंट, तब फिर आपका मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, तब फिर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, तब फिर साउथ वाले यानी संगम वंश। लेकिन जब आर्ट एंड कल्चर का बात किया जाएगा तो ये जो दायरा है छोटा हो जाता है। सवाल है कि ये जो इतने सारे टॉपिक्स है हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर में क्यों नहीं गिने जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में केवल इंडस, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता और साउथ इंडिया क्यों गिना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बेसिक रीजन ये है, हम उसी समय के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे ना जिस वक्त कुछ वैसा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काम हुआ हो। अगर रिलीजियस मोमेंट में या उस वक्त कोई बड़ा वैसा काम नहीं हुआ आर्ट एंड कल्चर में, तो हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो चूंकि कब कब काम हुआ है, तो हड़प्पा में, मौर्यन में, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एंड, इसमें से भी आपको याद होगा अगर, तो हड़प्पा में हमने जब आर्किटेक्चर का बात करते हैं तो हमने पढ़ा था सीताडेल, याद है, कमेंट करना, सीताडेल याद है, कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे, वेटिंग है आपके कमेंट का। सीताडेल के साथ साथ हमने और क्या देखा था, द ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, इन सभी को हमने आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के रूप में हड़प्पन में देखा। चलो अब जब बात आता है मौर्यन आर्ट के आर्किटेक्चर का, तो उसमें हमने क्या क्या देखा, याद है आप सबों को, हमने पहली बार मौर्यन आर्ट एंड कल्चर में पैलेसेस का बात किया था। पैलेस यानी महल इंटायर इंडियन हिस्ट्री में महल सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो मौर्यन के वक्त में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कुमरहारा में अशोक ने महल बनवाया था जो कि काफी भव्य निर्माण था, और पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य ने महल बनवाया था। तो याद आ रहा है आप सबों को प्रीवियस क्लास का टॉपिक, है ना। तो उस तरीके से अब हम लोग देखते हैं क्या, तो पोस्ट मोरियम में क्या हो रहा था। बच्चे सभी कमेंट कीजिएगा, आप सबको कमेंट नहीं आ रहा है तो मेरे को पता कैसे चलेगा। चलो अब आने लगा, हाँ आने लगा, चलिए अच्छे काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं। पोस्ट मोरियन एरा का जब हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल्चर का, प्रीति गुड आफ्टरनून, और आप सभी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर से कर लेना, ताकि जो भी स्पेशल क्लास हो या फर्दर क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे आईडी का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो के, तो उसमें मेरे आईडी का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो चलो, और जो जो नए बच्चे हैं जो अभी तक मॉडर्न कल्चर के पिछले दो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, वो हड़प्पा और मोरियन जो कि हमने कवर कर रखा है उस क्लास को रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना इस क्लास के बाद। और अभी हम लोग चलेंगे पोस्ट मोरियन में, तो स्टार्ट किया जाए पोस्ट मोरियन पीरियड। तो देखो पोस्ट मोरियन आर्ट का जब बात करेंगे तो यहां पर आपको पैलेस दिख रहा है कहीं पर, कमेंट करना। त्रिपाठी जी हाय, जय हिंद, जय हिंद गौरव, सुमित, रोहित, अमित, दीपिंती, हाँ बताइएगा पोस्ट मोरियन आर्ट में आपको कहीं भी पैलेस दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं दिख रहा है, क्योंकि पोस्ट मोरियन जो पीरियड था उसमें महल पे काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ समझते हैं। फर्स्ट क्लास है त्रिपाठी, बहुत अच्छी बात है, आप कैरी ऑन रहो, पर डे हम लोग 4 बजे मिलेंगे, और प्रीवियस वीडियो भी देख लेना, मेरे आईडी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। गुड आफ्टरनून सुमित। देखो यहाँ पर पोस्ट मोरियन एज का जब बात करते हैं, आप सभी एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको याद होगा पोस्ट मोरियन पीरियड यानी मौर्यों के बाद के काल में, मौर्यों के बाद के काल में इस रीजन में शुंग वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? शुंग वंश चल रहा था, कन्नौज चल रहा था, कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक। तो देखो इन सारे में, इन सारों में जितने भी रूलर आए, जो भी वंश आए, ये उतना अधिक पैसा या आर्थिक स्थिति डेवलप नहीं कर पाए कि एक महल का निर्माण करवाए, क्योंकि ऑलरेडी कुमरहारा में काफी विशाल महल बना हुआ था। लक्ष्मी, जय हिंद। कुमरहारा में काफी भव्य स्मृति यानी महल बना हुआ था सम्राट अशोक का, पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उन्हें जरूरत भी नहीं लगा। और दूसरा, अगर बनाते हैं तो उनसे अगर भव्य बनाएंगे तभी तो इतिहास में नाम दर्ज होगा, तो उनसे भव्य बनाने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा उतना था नहीं, क्योंकि ये उतने बड़े रूलर नहीं हुए जितने बड़े सम्राट अशोक थे, जितना मौर्य वंश था। जिस कारण से पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो भी रूलर हुए, चाहे शुंग हो, कन्नव हो, कुषाण, शक, सातवाहन या वाकाटक, किन्हीं ने भी महल निर्माण में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। समझे सभी? चलिए, जय हिंद रवि। और ये बात कब का हो रहा? सेकेंड सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, याद रखना। यहां पर एक और चीज था, आपको याद होना चाहिए जब हम लोग मौर्यन पीरियड का बात करते हैं तो उसमें बौद्ध धर्म सबसे अधिक फेमस था, देन आफ्टर जैन, तब जाकर के वैदिक धर्म था। लेकिन पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या हो गया, यहां पर ब्राह्मणवाद का विस्तार होने लगा, लोग ब्राह्मणवाद की तरफ वापस से मूव करने लगे, राजे रजवाड़ों के द्वारा वैदिक धर्म या ब्राह्मणवाद को कह सकते हैं वापस एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें थे शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, याद है नाम, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने क्या किया तो ब्राह्मणवाद का रिनेसा इन्हें बोल सकते हैं, पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मणवाद या बोल सकते हो वैदिक धर्म का रिनेसा ला दिए, पुनर्जागरण ला दिए, दोबारा से ये एस्टेब्लिश किया। चलो तो ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे काम कि उन्होंने क्या क्या किया। तो क्या किए हैं देखो, यहाँ पर केव बनाए, गुफा, स्तूप यानी जो स्तूप होता था, और स्कल्पचर यानी मूर्ति, ये तीन चीज बनाए हैं। तो इन्हीं तीनों को अभी देखेंगे। पहले अपना केव यानी गुफा, याद होगा मौर्यों के वक्त में, अशोकों के वक्त में, अशोक के वक्त में ये अधिक प्रचलित था, यहां भी आता है। गुफा जो है दो प्रकार के होते हैं, चैत्य विहार। चैत्य में क्या होता था? पूजा होता था, यानी एजा टेम्पल आप ले सकते हो इसे, एजा टेम्पल ले सकते हो। और विहार यानी रेसिडेंशियल था जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, यानी इसे एजा हाउस ले सकते हो। ठीक है, समझे? चैत्य और विहार, चैत्य जो है टेम्पल और विहार रेसिडेंशियल। चैत्य में लोग पूजा करते थे, विहार में रहा करते थे। और रहते थे कौन? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के जो संत महात्मा यानी बौद्ध भिक्षु, और जैन धर्म में तीर्थंकर,
ये सभी यहां पर रहा करते थे। जैन धर्म में कौन आएंगे? तीर्थंकर। और बौद्ध धर्म में मॉन्क्स यानी भिक्षु, बौद्ध भिक्षु। चलिए आगे देखते हैं और क्या हो रहा था, समझना। चैत्य जो थे वो डेवलप्ड होते हैं इस एज में, यानी ये वर्कशिप करने वाला जो स्थान है इसे और अधिक डेवलप किया जाने लगा। कैसा डेवलप हो रहा था देखो, रेक्टेंगुलर चैम्बर विथ फ्लैट रूफ, यानी जो चैम्बर होता था ये आप देख लो, चैम्बर आपको दिख रहा होगा कुछ रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ये जो चैम्बर है आपको कुछ इस तरीके से आते हुए दिख रहा है ना, यानी कह सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था। और इसका जो सरफेस होता था, सॉरी जो छत होता था, छत उसे फ्लैट बनाने बनाए जाने का कोशिश भी किया गया बहुत जगहों पर, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ये यहां पर फ्लैट आपको दिख रहा है सरफेस, है ना, इसका जो छत है आपको फ्लैट दिख रहा है ना। आगे देखो दूसरा, प्रेयर हॉल, प्रार्थना करने के लिए पूरा से एक हॉल बनाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए और प्रेयर कर पाए। इसका मतलब उस वक्त काफी लोग इस चैत्य में आया करते होंगे प्रार्थना करने के लिए, और इसीलिए राजे रजवाड़े चाहते थे कि इतना बड़ा एरिया हो, इतना बड़ा हॉल हो ताकि अधिक से अधिक लोग आ पाए वहां पर प्रेयर कर पाए। दूसरा क्या है, ओपन कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड जो होता था वो ओपन होता था। कोर्टयार्ड क्या हो गया, मतलब ये जो वर्शिप करने वाला मंदिर हो गया यानी चैत्य हो गया, चैत्य के बाहर एक ओपन एरिया बनाया जाता था जिसमें और भी यदि कुछ समारोह करना हो तो उसके लिए लोगों का व्यवस्था और बैठने उठने का। दूसरा वो ओपन होता था, गार्डन टाइप से होता था। दूसरा वो देखते हैं, मानव और पशुओं की आकृति से इसे डिजाइन किया गया था, जैसा कि आप सामने इमेज देख रहे होंगे। सामने जो आपको इमेज दिख रहा है इसमें आप ध्यान देना जरा सा, जस्ट ए मिनट, देखो यहां पर ध्यान दो, आपको यहां पर दिख रहा होगा वॉल में कुछ डिजाइन किया हुआ दिख रहा है, वॉल में कुछ डिजाइन किया हुआ दिख रहा है। ये जो डिजाइनिंग है ये इंसानों या जानवरों के आकृति का, हाथी घोड़ा टाइप से डिजाइन बनाया जाता था। तो आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से, जस्ट ए मिनट, हाँ, किस तरीके से लोग मंदिरों के एक एक चीजों को नक्काशी के रूप में उतार रहे थे, मंदिरों के या जो भी स्थल बनते थे, केव गुफा बनते थे, उसकी एक एक चीज पर नक्काशी उकेरा जा रहा था। और वो नक्काशी प्रकृतिक से रिलेटेड था, जैसे एनिमल हो, ह्यूमन हो, ये सब क्या है, नेचर, यानी जो आर्ट है उसमें नेचर का बहुत अधिक आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा पोस्ट वैदिक एरा वाला आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जांपल में कार्ले का चैत्य, अजंता का चैत्य। अजंता में टोटल 29 गुफा है, 29 केव्स है, जिसमें से 25 विहार है और 4 चैत्य है, यानी केव जो दो भाग में बटे 25 विहार है जहां पर लोग रहा करते थे, जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, और 4 चैत्य है जहां पर वर्कशिप यानी पूजा किया करते थे। तो केव समझ गए सभी, रवि आप पूछ रहे क्या है ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं रवि, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट केव है उदयगिरी का केव, कौन से भगवान का पूजा करते थे, बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखो ये जो चैत्य बना है ये स्पेसिफाई नहीं किसी धर्म के लिए, मेनली उस वक्त चल रहा था जैन धर्म उनका पूजा, बौद्ध धर्म उनका पूजा, तो मेनली जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पूजा हुआ करता था। कोई फिक्स नहीं था कि इन्हीं का पूजा होना उन्हीं का पूजा होना है, लेकिन चूंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भरमार था तो उनका पूजा होना था पहली बार। लेकिन जो राजवाड़े हुए, राजे लोग हुए पोस्ट मौर्यन एज में, उन्होंने ब्राह्मणवाद के लिए गुफाओं पर अधिक बल दिया। चलिए आगे देखते हैं, उदयगिरी का पहाड़ी और खंडगिरी का पहाड़ी, उदयगिरी और खंडगिरी। तो समझिएगा सभी, उदयगिरी में क्या होता है,
देखिए उदयगिरी जो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं खारवेल के द्वारा उदयगिरी और खंडगिरी का पहाड़ी जो है बनवाया गया था। पहले आप सभी एक काम करो, इमेज देखो और थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो सभी। आपको ये इमेज में दिख रहा है जाने का रास्ता, ये बालकोनी टाइप से दिख रहा होगा, बालकोनी टाइप से दिख रहा होगा, नीचे भी एक विंडो टाइप से दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आपको गेट भी दिख रहा होगा, गेट दिख रहा है। दूसरा चारों तरफ देखो किस तरह से ये पहाड़ों को काट के बनाया गया है, साफ देख के आपको पता चल रहा होगा पहाड़ों को काट करके गुफा बनाया गया है। यस और नो कमेंट करना सभी, पहाड़ों को काट करके गुफा का निर्माण किया गया है। चलिए देखे सभी, अब देखो अब हम लोग समझेंगे क्या है स्टोरी। तो स्टोरी यहाँ पर हमें कहानी जो दिखता है, कहानी पर जरा ध्यान देते। तो ये जो खारवेल नामक रूलर के द्वारा बनवाया गया था, क्या है, नेचर यानी प्रकृति और मैनमेड दोनों तरह के हैं। प्रकृति कैसे, ये जो पहाड़ है ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन उसके अंदर जो डिजाइनिंग किया गया वो क्या है, मैन मेड है ना। जो पहाड़ है वो तो नेचुरल है लेकिन जो डिजाइनिंग है वो मैन मेड है। पहली बात, उदयगिरी में टोटल 18 गुफा दिखता है और खंडगिरी में 15, जिसमें हमें क्या मिला, हाथी गुफा अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट यानी लिपि में लिखा हुआ है। समझिएगा बात को, हाथी गुफा अभिलेख काफी फेमस रहा है इतिहास में, जिससे खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है कि खारवेल ने क्या किया था क्या नहीं किया था। ये जो हमें मिला ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिला, इससे और ये क्लियर होता है खारवेल के वक्त में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। फिर रानी गुम्फा अभिलेख भी हमें मिला कहाँ, उदयगिरी के पहाड़ी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि खारवेल के द्वारा इन दो तरीके का केव बनाया गया था। दूसरा देखते हैं अस्तूप, अस्तूप में आओ जरा देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर अस्तूप जो है, ऐसा नहीं कि पोस्ट मॉडर्न एरिया में अस्तूप का निर्माण हुआ, अस्तूप याद होगा पिछले लेसन में हमने देखा था, यह अस्तूप यहाँ पर निर्माण क्या हुआ है इस एज में, तो समझो इस एज में ये जो आप गेट देख रहे हो जिसको तोरण कहते हैं, तोरण का निर्माण किया गया है। क्या बनाया गया है, तोरण, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ यहाँ पर जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप सबको दिखाता हूँ। देखो इसमें आपको हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये हाथी दिख रहा है, ये आपको घोड़ा दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, शेर दिख रहा है ना, यानी जानवर दिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये सारे ये जो जानवर दिख रहे हैं इससे क्या पता चल रहा है कि नेचर के प्रति काफी उनका लगाव था, और सारा डिजाइनिंग जो है ऑलमोस्ट नेचर से ही लिया करते थे, है ना। तो देखो यहाँ पर समझो जरा सा, ये जो अस्तूप है, ये जो अस्तूप है, अस्तूप का क्या बनाया गया, गेट यानी तोरण बनाया गया, तोरण यानी एंट्री गेट, जो कि काफी बड़ा और बहुत डिजाइनदार होता था और पत्थरों का। देखो मौर्यन के समय में जो अस्तूप बना उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल अधिक था, लेकिन पोस्ट मौर्यन में पत्थरों का इस्तेमाल अधिक होता है। ये जो तोरण होते थे मेनली अस्तूप के एंट्री गेट का काम करते थे, जिसमें बहुत सारे फिगर्स बनाए जाते थे, और सबसे मेन बात ये पत्थरों को जोड़कर नहीं, पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता था, यानी एक पत्थर को कटिंग करके कार्व करके कार्विंग कर करके उसमें डिजाइन उकेरा जाता था, समझे सभी। तो भरहुत का स्तूप जो कि बड़ा फेमस रहा अपने तोरण के लिए मध्य प्रदेश में, और सांची स्तूप का तोरण, यानी मध्य प्रदेश में वो स्तूप बनवाए भरूत का स्तूप, और सांची स्तूप में वो तोरण बनवाए यानी एंट्री गेट बनवाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब अस्कलप्चर। अभी तक का सारा क्लियर, सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, अभी तक का सारा क्लियर हो गया। तो हम लोग अस्कलप्चर यानी मूर्ति देखेंगे जिसमें है गांधार,
मथुरा अमरावती, ये तीन हम लोग देखेंगे। कमेंट करना गाइस जरा। चलो तो नेक्स्ट देखा जाए। आप सभी क्या है ये गांधार, आपको दिख रहा है यहां पर गांधार आकृति, ये जो सामने दिख रहा है ये गांधार आकृति है। 50 BC से लेके 500 AD तक ये मेनली फेमस होता है। इसमें देखो क्या है, तो कहां पर हमें मिलता है मेनली ये गांधार आकृति का मूर्ति, गांधार आर्ट का मूर्ति, पेशावर अफगानिस्तान और वेस्टर्न बॉर्डर जो अपना पंजाब का है वहां पर, ठीक है, बॉर्डर जो है पंजाब का वहां पर मिलता है। ये जो गांधार स्ट्रक्चर है ये मेनली ग्रीक और रोमन स्कल्पचर से इन्फ्लुएंस्ड था, यानी ग्रीक और रोमन मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाले जिस तरीके का मूर्ति का निर्माण कर रहे थे उन्हीं मूर्तियों से, यानी ग्रीक से भी कुछ सीखा गया, कुछ रोम वालों से सीखा गया, और दोनों को मिला के गांधार नाम दिया गया। समझे, ग्रीक और रोम दोनों की चीजों को अडोप्ट करके गांधार नाम से एक नए मूर्तिकला का इजाद होता है। इसको हम लोग ग्रीक इंडो स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको देखते हैं दो स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट हुआ गांधार स्ट्रक्चर का, क्या एक ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन और मड एवं प्लास्टर। मतलब देखो पहला है अपना यहां पर ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, यानी ब्लू कलर के बलुआई पत्थर से बनाया जाता था कार्विंग करके कटिंग करके, और दूसरा मड या प्लास्टर क्या होता है, ये पाउडर की तरह होता है, पानी मिला करके इसे हार्ड शेप दे करके बनाया जाता है। यानी मिट्टी से मूर्ति का निर्माण गांधार शैली का देन है। समझे सभी बात, मिट्टी से मूर्ति बनाना आसान है इन द कंपैरिजन ऑफ पत्थरों से मूर्ति बनाना, इसलिए मिट्टी वाले महंगे बिकते हैं, पत्थर सॉरी मिट्टी वाले आसान है इसलिए सस्ते बिकते हैं, और पत्थर वाले हार्ड है, काफी मुश्किल है उसको बनाना इसलिए महंगे बिकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देखे हो कि ना गांधार शैली की वजह से मिट्टी और प्लास्टर के इस्तेमाल के बारे में मूर्तियों में पता चलता है। दूसरा यहाँ पर क्या बनाया गया मिली गांधार में, बुद्धा या बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे स्टेट्यू को यानी मूर्तियों को बनाया गया, जो कि ग्रीक देवता से मिलते जुलते थे उनका स्ट्रक्चर या सकल सूरत जो होता था, क्योंकि जब ये मूर्ति बनाया जा रहा था उस वक्त तो गौतम बुद्ध थे नहीं, सब अपनी कल्पना के आधार पर भगवान का शकल बना रहे थे, और ये शकल ग्रीक गॉड के फेस से मिलता जुलता बनाया जा रहा था। समझे, आगे देखते हैं। अब है मथुरा, मथुरा के आर्ट में क्या हो रहा था। तो देखो मथुरा का जो आर्ट था यहाँ पर हमें खास क्या दिखता है कि यमुना नदी के किनारे ये डेवलप हुआ, मथुरा यमुना के पास है इसलिए यमुना किनारे डेवलप होता है, जिसमें हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों को यूज किया जा रहा था, तीनों धर्मों का मूर्ति बनाया जा रहा था। इसमें आप यक्ष और यक्षिणी जो पढ़े थे वही यक्ष वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी हमें दिखता है। देखो एक चीज याद रखना, ये मूर्ति सैम्बल के रूप में होता था, जैसा कि आप देख रहे हो ये जो मूर्ति आप देख रहे हो थोड़ा सा ध्यान से इसे देखो तो आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा तो वही दिखा रहा हूं, देखो जरा सा आपको मूर्ति में यहां पर फूल पत्तियों का आकृति दिख रहा है, कमेंट करना फूल पत्तियों का आकृति दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, यानी ये सिंगल मूर्ति नहीं है, ये जो मथुरा शैली है इसमें कोई सिंगल मूर्ति नहीं है, एक मूर्ति के साथ बहुत सारे आपको मूर्ति उकेरे हुए दिख रहे हैं, है ना, और ये उकेरा हुआ मूर्ति आपको दिख रहा होगा, ये मूर्ति जो आपको उकेरा हुआ दिख रहा होगा, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा कि गांधार शैली में क्या है, ये उकेरा हुआ नहीं, ये प्योर स्टेट्यू है चारों तरफ से 360 डिग्री एंगल से, लेकिन ये केवल फ्रंट साइड में एक कर्व किया हुआ है और बैक साइड में प्लेन है, सपाट है ना, फ्रंट साइड में कर्व किया हुआ है और बैक साइड में प्लेन है, ये हो जाता है मथुरा का खूबी। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सिंबल, हाँ
हिंदू के देवी देवताओं को मेनली प्रेजेंट किया जा रहा था जैसे, और उन्हीं विचारों को भी लेकर चल रहा था, चला जा रहा था। जैसे आप लिखा हुआ है यहाँ पर अहोलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा, ये बुद्धा के चारों तरफ आपको ये सर्किल दिख रहा है, ये बुद्धा के चारों तरफ ये सर्किल आपको दिख रहा है ना। तो इसी सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, होलो कहेंगे। इसी सर्किल को क्या कहेंगे, होलो। चलिए आगे देखते हैं। अब है अपना अमरावती, अमरावती को समझिएगा जरा। यहां देखो ये जो मथुरा वाला स्ट्रक्चर है उसी का कह सकते हैं ये एडवांस्ड फॉर्म था। आप देखो मथुरा वाले मूर्ति को ध्यान से देखो, पहले सभी ध्यान से देखो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को, ठीक है, जूम कर देता हूं, ध्यान से देखो, देख लिए। अब जो है जरा अमरावती आर्ट को देखो, अमरावती आर्ट को दिख रहा है आपको कुछ थोड़ा सा चेंजेस और ऑलमोस्ट अधिकतर चीज एक जैसा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर ये फूल पत्ती उकेरा हुआ है ना, फूल पत्ती उकेरा हुआ है, लोग भी हैं, जानवर भी हैं चारों तरफ बने हुए। यानी कहीं ना हम लोग ये बात कह सकते हैं मथुरा आर्ट के बारे में, सॉरी अमरावती आर्ट के बारे में, कि ये जो है, सॉरी अमरावती आर्ट जो है वो मथुरा आर्ट का मॉडरेटेड फॉर्म था, एडवांस्ड फॉर्म था, क्या बोला जा सकता है, क्योंकि आपको इसमें भी प्लेन बैक साइड दिखेगा लेकिन फ्रंट साइड में काफी नक्काशी दिखेगा और जो मथुरा से कहीं अधिक डेवलप्ड होगा, है ना। तो देखो यहां पर क्या क्या है समझना, कहां में मिला ये, साउथ इंडिया में। अमरावती आर्ट कहां मिलेगा, याद रखना साउथ इंडिया में। सातवाहन वंश वालों ने इसे बनवाया था कृष्णा नदी के किनारे वाले रीजन, है ना। चलो दूसरा, ये मोशन स्ट्रक्चर यानी मोशन, आप जब मूवी मूर्ति दिखोगे तो एक सीरीज में दिखेगा जिसमें बहुत सारे मूर्ति रहेंगे और आप ध्यान, और एक सेंटर मूर्ति होगा, एक होगा सेंटर मूर्ति, जैसे ये आप यहां पर देखो ये आपको दिखेगा एक सेंटर स्टेच्यू और साइड साइड में बहुत सारे जो साइड आर्टिस्ट टाइप से होते हैं ना, साइड रोल वाले साइड आर्टिस्ट, उस तरह से साइड में भी आपको सॉरी बहुत सारे यहाँ पर मूर्ति दिखते हैं, स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ एक मैसेज देना चाह रहा है, ये मूर्ति जो है कुछ कहानी कह रहा है। क्या ऐसा समझ में आ रहा है, देखिए आपको कमेंट करना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देना, क्या अमरावती मूर्तियों का खूबी है, इसमें जो मूर्ति है उसमें मेनली त्रिभागा पोस्चर का इस्तेमाल किया गया है। त्रिभागा मतलब होता क्या, आज समझो, आज आपके सामने ये राज में खोलने जा रहा हूं, त्रिभागा का मतलब क्या होता है। शरीर में तीन मूवमेंट, जैसे यहां पर अगर आप मूर्ति देखोगे तो आपको ये एक मूवमेंट दिख रहा है, ये एक मूवमेंट दिख रहा है और ये एक मूवमेंट दिख रहा है। तीन मूवमेंट दिखा, एक दो तीन, दिख रहा है ना। ट्री के नीचे बुद्ध और उसके पांच पांच भक्त, जी बिल्कुल रवि सही बोल रहे हैं। गुड इवनिंग आंचल, जितने भी नए बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप सबको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, आर्ट एंड कल्चर का ध्यान देना, आर्ट एंड कल्चर का पर डे अपना क्लास चल रहा है, कितना बजे, शाम 4 बजे, जिसमें आज अपना ये तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास। आप क्या करोगे, अभी तक का पहला और दूसरा क्लास जो है रिकॉर्डेड वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उसे देख लेना, वॉच जरूर से कर लेना तो क्लास ओवर होने के बाद। और मेरे अनअकैडमी के आईडी का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना ताकि
सारे कोर्सेज पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो अन अकेडमी के टॉप एडुकेटर के द्वारा इस चैनल में लाए जा रहे हैं। चलिए, तो ये बताना अभी तक का सारा क्लियर, किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, किंतु परंतु कुछ भी? नहीं, सब होगा क्लियर। चलिए बढ़िया है। तो आज का सेवा आप सबों के लिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम 4 बजे। सर आर्ट एंड कल्चर की बुक बताना, नितिन सिंघानिया का बुक ले लो, लेकिन फिलहाल जो आपका ये क्लास चल रहा है वो मोर देन इनफ है। अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू डोंट नीड एनी बुक। बाकी हम लोग देखते हैं, वैसे बुक पढ़ना चाहे तो नितिन सिंघानिया का जो बुक है सबसे बेस्ट है मेरे नजर में। आगे हम लोग देखते हैं, आप अगर अन अकेडमी प्लस पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे कोड अमित फॉर जीएसपी का यूज जरूर से कीजिएगा, ताकि 10% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, और अभी बहुत बेहतरीन कोर्स आपका चल रहा है। तो गाइज, सबसे हमने रिक्वेस्ट है, लाइक और फीडबैक जोर से दीजिए, सॉरी लाइक और कमेंट जोर से कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। साथ ही साथ मेरे आईडी को फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम का, अनअकैडमी का, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे फिर कल शाम इसी वक्त 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।